हेलो गाइस, दिस इज शरगत। और गाइस, आज इस वीडियो में मैं फिर से बात करने वाला हूँ रियलमी की XT प्रो के बारे में। तो रियलमी XT प्रो रिगार्डिंग अभी के टाइम में हम बोल सकते हैं बहुत सारी स्पेसिफिकेशन रिवील हो चुका है, तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इसी के बारे में। तो रियलमी XT प्रो का एकदम कन्फर्म स्पेसिफिकेशन मैं बोलूँगा आज इस वीडियो में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एकदम एंड तक जरूर देखते रहना। तो यार, जैसे कि 13 सितंबर को रियलमी XT ये लॉन्च होने वाला था इंडिया में, तो कल रियलमी XT के लॉन्च के साथ ही साथ रियलमी की तरफ से कुछ एसेसरीज लॉन्च होने वाला है। तो सबसे पहला जो एसेसरी लॉन्च होने वाला है वो है रियलमी बट वायरलेस। तो यहाँ पर हमें शाओमी का जो मी नेक बैंड है उससे कॉम्पीट करने के लिए ही रियलमी का ये जो रियलमी बट वायरलेस है ये लॉन्च करने वाला है रियलमी। तो इसका बहुत सारे इमेजेस लीक हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे ही हमें रियलमी बट वायरलेस देखने के लिए मिलेगा। और गाइस, इसके साथ ही साथ रियलमी का एक पावर बैंक भी लॉन्च होने वाला है, जो कि होने वाला है 10,000 mAh का एक पावर बैंक। तो ये भी लॉन्च होने वाला है कल रियलमी XT के साथ ही साथ। तो रियलमी का ईयरबड वायरलेस लॉन्च होगा और रियलमी का पावर बैंक लॉन्च होगा 10,000 mAh का। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है ये कल ही लॉन्च होने वाले हैं रियलमी XT के साथ 13 सितंबर को। तो अभी बात करते हैं रियलमी XT प्रो के बारे में। तो रियलमी XT प्रो का अभी के टाइम में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन सामने आया है और बहुत सारे रियर पैनल का लाइव इमेजेस भी सामने आया है, लाइक प्रोडक्ट इमेज भी सामने आया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे ही डिज़ाइन के साथ हमें रियर पैनल देखने के लिए मिलेगा रियलमी XT प्रो का। तो यहाँ पर ग्लास बैक पैनल ही होगा, क्वाड कैमरा भी होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैमरा का प्लेसमेंट होने वाला है वो रियलमी X जैसा होगा, लेकिन रियलमी X में लाइक डुअल कैमरा था, अभी इसमें 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप हमें देखने के लिए मिलेगा रियलमी XT प्रो में। और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि हमें नॉचलेस डिस्प्ले ही देखने के लिए मिलेगा, जो कि होने वाला है रियलमी X का एक परफेक्ट सक्सेसर होने वाला है। जैसे कि रियलमी XT में हमें लाइक नॉच देखने के लिए मिला था, लेकिन इसमें रियलमी XT प्रो में हमें नॉच नहीं देखने के लिए मिलेगा, मुझे लगता है ऐसे। तो पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ हमें रियलमी XT प्रो देखने के लिए मिल सकता है। तो यार, सबसे पहले बात करेंगे रियलमी XT प्रो की डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर हमें एमोलेड डिस्प्ले ही देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि रियलमी XT में भी था, रियलमी X में भी था। तो यहाँ पर रियलमी XT प्रो में भी हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ एक रूमर ऐसा निकल के आया है कि ये जो रियलमी XT प्रो होने वाला है इसमें हमें 90Hz का डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, 90Hz रिफ्रेश रेट हमें यहाँ पर रियलमी XT प्रो में देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि OnePlus 7 प्रो में भी हमें 90Hz का डिस्प्ले देखने के लिए मिला था। तो ये बात बहुत ही अच्छा होने वाला है रियलमी के इस डिवाइस में, लाइक 90Hz का डिस्प्ले मिलेगा, तो ये एक्साइटिंग है बहुत ही ज़्यादा। बाकी गाइस, अंडर द हुड की बात करें तो यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा रियलमी XT प्रो में। और रियलमी की तरफ से ऐसा भी न्यूज़ सामने आया है कि रियलमी लाइक स्नैपड्रैगन 700 सीरीज़ के साथ एक 5G स्मार्टफोन भी लॉन्च करने वाला है इस साल की एंड में। तो यहाँ पर तो रियलमी XT प्रो में हमें स्नैपड्रैगन 730G ही देखने के लिए मिलेगा, ये 5G डिवाइस नहीं होने वाला है। तो और क्वालकॉम का X50 मॉडेम के साथ जो प्रोसेसर आएगा वही 5G होगा। और यही है बात, तो ये 5G वाला स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से हमें इस साल की एंड में देखने के लिए मिल सकता है या फिर अगले साल के शुरू में मिल सकता है। तो अभी के टाइम में तो रियलमी XT प्रो में हमें स्नैपड्रैगन 730G ही देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर होने वाला है। और गाइस, रेडमी नोट 8 प्रो जो होने वाला है उसमें हीलियो G90T हमें मिलने वाला है, तो उससे कॉम्पीट करेगा ये रियलमी XT प्रो। बाकी गाइस, अगर वेरिएंट की बात करें, रैम स्टोरेज वेरिएंट की बात करें, तो हमें मिल सकता है 6GB 64GB 6GB 128GB और 8GB 256GB का रैम स्टोरेज वेरिएंट रियलमी XT प्रो का। और बाकी इसमें हमें एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा रियलमी XT की प्रो में। और गाइस, ये जो रैम और स्टोरेज होने वाला है ये UFS 2.1 का स्टोरेज ही हमें मिलेगा और DDR4X का रैम हमें देखने के लिए मिलेगा रियलमी XT प्रो में। तो अभी बात करेंगे कैमरा सेटअप के बारे में। तो कैमरा सेटअप हमें 64 MP का प्राइमरी सेंसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि सैमसंग का ISOCELL GW1 सेंसर है। तो यही सेंसर हमें रियलमी XT में मिलने वाला है, कल लॉन्च होगा, तो यही सेंसर हमें रियलमी XT प्रो में भी मिलने वाला है। साथ ही साथ क्वाड कैमरा सेटअप भी होगा। तो अगली सेंसर की बात करें तो 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी होगा, 2 MP का एक डेप्थ सेंसर होगा और 2 MP का एक मैक्रो लेंस भी हमें यहाँ पर रियलमी XT प्रो में देखने के लिए मिलेगा। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर हमें 32 MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल सकता है रियलमी XT प्रो में। जैसे कि मैं बोला, ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर हमें फुल विजन डिस्प्ले ही देखने के लिए मिलेगा, तो पॉपअप सेल्फी कैमरा 32 MP का हो सकता है यहाँ पर रियलमी XT प्रो में। बाकी गाइस, अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर हमें 4000 mAh अराउंड ही बैटरी कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगा रियलमी XT प्रो में। साथ ही साथ गाइस, 30W का वूक चार्जिंग सपोर्ट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तो बहुत ही फास्ट चार्ज कर देगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो 30W का चार्जर हमें बॉक्स में ही
इंक्लूडेड देखने के लिए मिलेगा। बाकी यूएसबी टाइप सी पोर्ट 3.5mm जैक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एनएफसी के साथ भी, मतलब एनएफसी का भी सपोर्ट हमें यहाँ पर रियलमी एक्सटी प्रो में देखने के लिए मिलेगा। तो यार अभी अगर बात करें इस डिवाइस की प्राइसिंग की, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो डिवाइस होने वाला है 20 से लेकर 25 हज़ार की रेंज से शुरू हो सकता है, ये रियलमी एक्सटी प्रो का लोअर वेरियंट। और लॉन्चिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे रिमोर सामने आ रहा है कि दिवाली से पहले ही हमें ये डिवाइस देखने के लिए मिल सकता है। तो रियलमी एक्सटी प्रो ज़्यादा चांसेस है कि दिवाली से पहले लॉन्च हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे रिमोर सजेस्ट कर रहा है ये। और गाइस जैसे कि कल ही लॉन्च होने वाला है रियलमी एक्सटी इंडिया में, तो कल ही हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिल जाएगा रियलमी एक्सटी प्रो रिगार्डिंग। तो अगर कुछ कन्फर्म न्यूज़ सामने आता है रियलमी एक्सटी प्रो रिगार्डिंग तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो अभी के टाइम में इतना ही हम बोल सकते हैं रियलमी एक्सटी प्रो के बारे में। और जैसे कि मैंने स्पेसिफिकेशन बताया वैसे ही स्मार्टफोन हमें देखने के लिए मिलेगा, और कल हमें कुछ देखने के लिए मिल जाएगा रियलमी की लॉन्च इवेंट में ही, रियलमी एक्सटी के लॉन्च इवेंट में ही। तो अभी के टाइम में हम इतना ही बोल सकते हैं रियलमी एक्सटी प्रो के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जो लाइक एंड शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल बटन है उसे भी एनेबल कर देना। तो मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।